चलिए आज एक और नए बच्चे से मिलते हैं, राघव गुप्ता जो कि दिल्ली से हैं, जिनका ऑल इंडिया 281 रैंक है निमसेट में और जामिया में 6 रैंक है और राघव को एनआईटी भोपाल अलॉट हुआ है और राघव ने फाइनल ईयर के साथ डीयू यूनिवर्सिटी से बीएससी फाइनल के साथ ये रैंक अचीव किए। तो सबसे पहले राघव आपको इस रैंक के लिए और एनआईटी भोपाल एज वेल एज जामिया की 6 रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, ऑल क्रेडिट गोज टू यू सर। थैंक यू राघव। राघव मैं ये जो सेशन लेता हूँ, इन सेशन का बेसिकली पर्पज ये होता है कि बच्चे इससे कनेक्ट होते हैं। हर बच्चे का कहीं ना कहीं सोच अलग अलग होता है और किसकी किससे फ्रिक्वेंसी या ट्यून मिले तो वो एक कहीं ना कहीं काम आती है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी किया हुआ है, फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव किया है, तो आपका जो सक्सेस जर्नी है वो किस तरह से रहा, आपका कैसा मैनेजमेंट था टाइम टेबल का? फाइनल ईयर के साथ कई बच्चे सोच भी नहीं पाते और इस बार और हर साल देखें तो इम्पिटस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं फाइनल ईयर वाले बच्चे, क्योंकि वो एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है कि नहीं हम कर सकते हैं और करना ही है, क्योंकि कर लिया तो ड्रॉप बच गया, नहीं करा तो ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। तो आप अपनी सक्सेस जर्नी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? सर टू बी ऑनेस्ट, मैं सच बताऊं तो एमसीए इज नॉट माय फर्स्ट चॉइस। मैं एक्चुअली पहले कुछ कर रहा था, फिर ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस वो नहीं हो पाया, देन फिर लोगों ने सजेस्ट करा मैथ्स ऑनर्स है, तुम एमसीए के लिए जाओ, आईटी फील्ड है, बून हो रहा है। तो सर मैंने जैन 2020 में एक्चुअली दिल्ली के अंदर ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया था जनवरी 2020 में बिफोर कोविड। फिर जैसे उनकी क्लास लगी ठीक था, मतलब सीनियर से पूछा था कि हाँ मतलब ठीक है, बट कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि पहले तो कोविड से पहले तो ऑफलाइन क्लासेस ही चल रही थी। बट जब कोविड हुआ उनकी थोड़ी क्लासेस रुकी, थोड़े दिनों बाद स्टार्ट करी, फिर सर मेरे को आपके बारे में और इम्पिटस गुरुकुल के बारे में पता चला। तो सर जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखी ना तो माय फर्स्ट रिएक्शन वाज यार ये सर क्या पढ़ा क्या रहे हैं, मतलब इतना बेसिक से और इतना हर चीज को बढ़िया पढ़ा रहे थे। वो मैंने यूट्यूब वीडियो से देखी थी, मेरे कई सीनियर्स ने मेरे को बाकी बाद में रिकमेंड भी करा। और एक्चुअली क्या था उस टाइम, मैंने सर एक इंस्टॉलमेंट दे दी थी, मतलब आई एम नॉट दैट फाइनेंशियल स्टेबल। मैंने मतलब खुद होम ट्यूशन करे थे 2 साल बिफोर कोविड, उसी से मैंने अपनी फीस कर रहा था मैं, तो मैंने उसकी दे दी। तो आई वॉज लाइक कि मैं अब क्या करूं और कैसे करूं, मैंने फीस दे दिया, मैंने सोचा भी, फिर आई डोंट नो सर, मतलब मेरे को एक ये बहुत बड़ी बात थी कि नहीं मेरे को अब करना है निमसेट में रैंक लानी है। और टू बी ऑनेस्ट सर मेरा ये ड्रीम था कि मैं आपके साथ एक बार इंटरव्यू करूं, कि मेरा भी मैं देखता था पहले भी लोग, मतलब बच्चों के इंटरव्यू देखता था, आप डालते थे कनेक्ट करते थे कि मैं भी सर सर से बात करके देखूंगा। और फिर मेरे को लगता था कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है तो सर बात कर पाएंगे या नहीं बात कर पाएंगे, बट सर ने मतलब मैं स्पेशली मेंशन करूंगा ये व्हाट्सएप पे मेरे को जितनी बार मैंने मैसेज करा सर ने मेरे को रिप्लाई करा, मेरा डाउट क्लियर करा। तो मतलब मैंने कभी सर देखा नहीं इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, खुद एक ऑनर, खुद एक जो डायरेक्टर है वो बात कर रहा है आपसे, तो इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी। एंड फिर उसके बाद सर जैसे कोविड हुआ, मतलब वो इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन कर रखा था मैं उसको भी पढ़ता था, बट मैं सर फॉलो अप करता था, जो आपने लास्ट में पूरा स्ट्रैटेजी 15 डेज की 1 मंथ की बताई, मैंने पूरा उसी से चला, कितने सब्जेक्ट्स को कितने देर में है उतना पढ़ा। स्टार्टिंग में मैं कहूंगा सर मैं वही दो तीन घंटे ही पढ़ता था, ज्यादा नहीं पढ़ता था, बट लास्ट के 1 महीना जो आपकी स्ट्रैटेजी थी वो पूरी फॉलो करी सर मैंने और पूरा उसी से थ्रू गया मैं। और मेरा सर मैं कह रहा हूँ पूरा क्रेडिट गोज टू यू, आपकी स्ट्रैटेजी काम आई है सर। देखो राघव आपने बहुत अच्छी बात बोली, मेरे साथ बहुत बच्चे ऐसे जुड़ते हैं, कई बार कई बच्चे होते भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, और मैं भी जैसे आपने बोला नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं भी चाहता हूँ, सब अपनी अपनी जगह मेहनत करते हैं, पर जब बच्चा इम्पिटस से जुड़ता है, क्योंकि देखिए हर एक का टेक्निक अलग होता है किसको किसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए एक बात, और दूसरी बात इम्पिटस हमेशा ही कोशिश करता है, जैसे मेरा नेचर है, मैं चाहे क्लासरूम के बच्चे हों ऑनलाइन वाले बच्चे हों सभी से कोशिश करता हूँ जितना कनेक्ट हो सकूं, क्योंकि देखो जितना कनेक्ट हो सकूं, क्योंकि बच्चा एक बार बात करता है मोटिवेट होता है तो कहीं ना कहीं वो चीज पॉजिटिव काम आती है, और देखो कहीं ना कहीं वो आपके भी काम आई और आपने वो ठान लिया था कि नहीं करना ही है और वो आपने कर दिखाया, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो ये बताइए फाइनल ईयर के साथ जब आप पढ़ाई करते थे तो जो टेस्ट पेपर होते थे, जब आप टेस्ट सीरीज देते थे तो उसको किस तरह से हैंडल किया, उसके पेपर्स को कैसे आपने, कई बच्चे ये जानना चाहते हैं कि जब टेस्ट सीरीज दी जाती है तो आप उस समय कैसे परफॉर्म करते थे और उसके एनालिसिस कैसे करते थे? सर टेस्ट सीरीज के लिए मेरा क्या था, मेरा एक मतलब मेरा खुद का आइडिया था, जब भी टेस्ट सीरीज देनी होती थी ना सर मैं 2-3 घंटे पहले पेपर पढ़ना छोड़ देता था, बिकॉज सर अगर हम नॉर्मली देखें, अगर हम अज्यूम करें हम टेस्ट पेपर दे रहे हैं वो हमारा मॉक टेस्ट है, मतलब पेपर देने जा रहे हैं हम,
तो हमें पता है टेंशन होती है, 2-3 घंटे ट्रैवलिंग में भी लगते हैं आपको, आप उस टाइम नहीं पढ़ सकते, आपका दिमाग पजल होता है। तो मैं हर मॉक टेस्ट से पहले 2-3 घंटे पहले पढ़ना छोड़ देता था, 1 घंटा सोना है आप सो जाओ, आपको कुछ और करना कर लो, बट कॉपी नहीं उठानी आपको, 2-3 घंटे रेस्ट करो, पेपर बिल्कुल सेट माइंड में, जैसे आप बताते हैं पहले लंबी लंबी सांसें लो, आराम से माइंड को सेट करो और फिर पेपर दो, और जो आता है पहले वो करो, कोई फिक्स रूल नहीं है कि कौन सा पहले क्या करना है, वो करो, पेपर करा, उसके बाद ठीक है स्कोर आ गया उसको भी छोड़ दो अभी, फिर दोबारा पेपर लेके बैठो, जो गलतियां हैं उसको देखो, जैसे आप कहते हो हमेशा एनालाइज करो कि गलत जितने क्वेश्चन है वो मतलब नहीं, गलत क्या हो रहा है, कंसेप्ट की गलती से, आप 3 चीजें कहते हो हमेशा, कंसेप्ट की गलती है, कैलकुलेशन की गलती है, या तुम्हें क्वेश्चन आते ही नहीं, तो वो चीज देखो। तो सर मैं उसी पे ध्यान देता था, और सर स्पेशली कंप्यूटर के लिए मैंने प्रतीक सर की सारी क्लासेस देखी, उससे भी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताई सर ने, जैसे आप भी ट्रिक्स वो डाइस वाला बताते थे, आप कैलकुलेशन वाला बताते थे, तो उससे सर काफी फर्क पड़ता था, उस जो अदर इंस्टीट्यूट पढ़ाता था वो तो पढ़ता ही था, बट मैं सर आपका एक्स्ट्रा जरूर पढ़ता था, मतलब आपकी वीडियो आई है तो देखनी है, वो मतलब काफी यूज होती थी। चलो बहुत ही अच्छी बात है राघव, तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं यही देना चाहूंगा कि मैंने गलती क्या करी कि मैंने एमसीए ठीक है मतलब जिस भी सर्कमस्टांसेस में लिया ठीक है कोई बात नहीं, बट एमसीए के लिए रिसर्च करो, बट मैं फर्स्ट टाइम सर सर से बात कर रहा हूँ, मैं कहूंगा एमसीए के लिए इम्पीटस स्कूल इज द बेस्ट, आपको जाना है, आपको हर चीज मिलेगी यहाँ पे, आपके डाउट ट्रिक्स, जैसे सर हमें था कि शॉर्टकट बोलते रहते हैं, उसका कंसेप्ट भी बनता है इम्पीटस गुरुकुल में और शॉर्टकट भी मिलती है आपको, तो हमें क्या था, हमें बोला कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, बस ये है कि थोड़े स्टेप्स कम हो जाते हैं वो कुछ नहीं होता, बट शॉर्टकट होता है अगर तुम यूज करो, शॉर्टकट है, और ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। तो मैं यही कहूंगा कि अच्छी तरह एनालाइज करो चीजों को और पैनिक मत हो। अगर सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे इस बार का पेपर मेरे अकॉर्डिंग 2020 से थोड़ा सा टफ था, मैं ये नहीं कहूंगा ज्यादा टफ था, थोड़ा सा अलग टाइप का था, अलग टाइप का था, और मैं भी थोड़ा घबरा गया था, बट मेरे को वही मैं कहूंगा दोबारा याद था, लंबी लंबी सांसें ली मैंने, अपना माइंड को रिलैक्स करा और फिर करा। तो सर ये होता है कि हर चीज को सुनना, हर चीज को देख के करना इज द बेस्ट, पैनिक मत करो, जितना दिमाग ठंडे रख के करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन निकलेंगे, एमसीक्यू का तो यही है सर। और सर मैं मतलब स्पेशली कहूंगा जो लोग कह रहे थे ना कि इम्पिटस मार्केटिंग करता है, इम्पिटस कुछ नहीं करता, इम्पिटस की वजह से ही सर बहुत बच्चे मेरे जैसे बच्चे ना सक्सीड कर पाते हैं, कि उन्हें सपोर्ट नहीं होता फिर भी सर प्रतीक सर जैसे लोगों की मदद से उनका अच्छा हो जाता है। मतलब मैं ये कहूंगा कि मेरे सर पैसे ना मेरे को मतलब दुखते हैं जितने मैंने दिए, और मैंने इम्पिटस क्यों ज्वाइन नहीं कर पाया, मेरे को किसी ने बोला कि वो महंगा है, एक्सपेंसिव है इम्पिटस, और मेरे को सर आज तक नहीं पता क्या फीस है, ना मैंने कॉल करके कभी पूछा, बट सर मैं कहता हूँ कि आप ये ब्लेसिंग्स दो कि अगर मैं कुछ बनूं आगे बढ़ा होके तो मैं एक बच्चे की खुद उठाऊं कि वो इम्पिटस से पढ़ सके। और मैं सर आपसे भी मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा बच्चा आपको लगता है कि जो कर सकता है और टैलेंटेड है और लेकिन जिसके पास फाइनेंस नहीं है, वो आप उसको जरूर पढ़ाओ सर, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। देखो राघव मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने काफी अच्छी बात बोली, इम्पिटस गुरुकुल को जो जाना जाता है, मैं आपको बताऊं मेरी आइडियोलॉजी क्या है, कि मैं क्या सोचता हूँ एक्चुअल में, तो मेरा पूरा सोचना यह है कि हर बच्चा बढ़े और हर बच्चा बढ़े, कोई ऐसा बच्चा इम्पिटस में हो ही नहीं सकता जो कांटेक्ट करे और ना पढ़ पाए, चाहे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, ये इम्पिटस के साथ सबसे प्लस पॉइंट है। दूसरा मेरा फोकस हमेशा रहता है, आपने नोटिस किया होगा कि मैं चाहे क्लास ऐप पे लूं, यूट्यूब पे, मैं कभी भी किसी बच्चे के साथ मैं हमेशा बहुत कोशिश करता हूं अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं। आज यूट्यूब पे इतना कंटेंट है इम्पिटस गुरुकुल का कि अगर कोई बच्चा उसको देखे तो उसको बहुत कुछ मिलता है। और जो आपने बात बोली, मैं आपको विश करूंगा, चाहूंगा कि आप एक नहीं इतनी अच्छी जॉब लगे, इतने आगे बढ़ो कि आप कई सारे बच्चों को हर साल पढ़ा पाओ, क्योंकि जो चीज हमारे में कमी रह गई वो कहीं ना कहीं हम दूसरे के साथ कर सकते हैं। मैं भी बहुत आउट कंडीशन में आया हूं, तो इम्पिटस का ये एक वो है प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हाँ हर बच्चा पढ़ सकता है, हर बच्चा बढ़ सकता है, और फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से तो इम्पिटस से कोई बच्चा जा ही नहीं सकता, ये इम्पिटस की एक पॉलिसी है और ये आगे भी रहेगी। और राघव आप भोपाल से ही हो, अब जब अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है, भोपाल आओगे तो आप बच्चों के साथ भी आप सेशन लोगे, मिलोगे, और जब गुरुकुल के साथ आप, क्योंकि अभी तो आपने ऑनलाइन एक्सपीरियंस लिया है, अब आप फिजिकली भी आने वाले समय में डेफिनेटली, जैसे आपने बोला ना एक इंटरव्यू देना था, पर देखो बाई चांस आपको चाहे जो भी हो भोपाल मिला तो आप मेरे साथ भोपाल में आके मिलोगे भी, और हम फेस टू फेस, खुशी है मेरे को सर इस बात की। हाँ तो फेस टू फेस भी एक सेशन जरूर रखेंगे। यस सर, श्योर सर।
चलो राजा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट, खूब आगे बढ़ो। और ऐसे ही मैं हमेशा बोलता हूँ हर बच्चे से इंटरव्यू में, आपने देखा होगा, बोलता हूँ कि आपको तो बढ़ना है पर सबको बढ़ाना, हमें कभी भी रुकना नहीं है, ये चेन कंटिन्यू रखनी है कि जैसे आज आप सफल हुए हो, आप दूसरे को भी मोटिवेट करो, गाइडेंस दो। कोई बच्चा कभी किसी वजह से पीछे ना रह पाए, स्पेशली फाइनेंशियल वजह से, क्योंकि अगर बच्चे को सही गाइडेंस मिल जाए ना, तो भले ही फाइनेंशियल कंडीशन कितनी वीक हो पर वो कर लेगा। पर जरूरत होती है प्रॉपर गाइडेंस की, जो कई बार लोग बल्कि मिसगाइड कर देते हैं। तो राघव, बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपकी सोच बहुत अच्छी है और इस सोच को बनाए रखिएगा आगे भी, और ऐसे ही आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर।